हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। सो जैसे कि स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, 17 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम था। सभी स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम दिया। इस बार 18 लाख स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म भरा था, जिसमें से रिजल्ट के बाद पता लगेगा कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं एंड कितने स्टूडेंट अनक्वालिफाइड थे, कितने स्टूडेंट्स की रैंकिंग आई है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनको बेस्ट विशेज़ फ्रॉम अस, एंड जिनका अच्छा नहीं गया है सो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस अभी भी बहुत हैं कि आप ऐसा नहीं, आप ये मत सोचो कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपका रिजल्ट नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या आपको अब सीट नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, अब्रॉड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो स्टूडेंट, रिजल्ट में टाइम है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी आपके पास आंसर की आ गई होगी, सबने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे कि कितना स्कोर आप कर रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो एप्लीकेबल है दैट इज़ गुड, एंड जो एप्लीकेबल नहीं है, जिनको लगता है कि हम इंडिया में एडमिशन लेंगे या फिर जो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप इस ईयर और अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशन करो। हमारी एफिनिटी एजुकेशन ऐप है, उसके थ्रू आप पढ़ाई करो, प्लस जो भी आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो वहाँ से आप पढ़ाई करो। फिर नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से अपना नीट का एग्ज़ाम दो। और जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इंडिया में इतना पैसा लगेगा, अब्रॉड के लिए प्लान करें, तो आपके पास अब्रॉड का ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना एडमिशन करा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल है, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, मीडियम ऑफ इंग्लिश रहेगी, जहाँ पर आप अपनी MBBS कंप्लीट कर सकते हो एंड वापस आ सकते हो एक अच्छे डॉक्टर बनकर। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, भी बहुत से स्टूडेंट को अभी भी ये स्टिल कंफ्यूजन है कि बच्चा अगर यहाँ से करेगा तो उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वहाँ से अब्रॉड से कर आएंगे तो उनको FMG देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट के पास डाउट थे, ये काफ़ी पेरेंट्स के भी डाउट थे, तो मेनली यही चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी आप सभी को कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका 2023 से स्टार्ट रहेगा। आपका फर्स्ट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा वो 2023 को होगा, 22 से नहीं है। ये बात मैं सबको क्लियर कर देती हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये एग्ज़ाम सभी को देना पड़ेगा, डजेंट मैटर कि उसने अब्रॉड से MBBS कंप्लीट करिए या इंडिया से करिए। अगर कोई बच्चा इंडिया से भी MBBS कर रहा है तो भी उनको नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। जो बच्चा अब्रॉड से भी करा रहा है उनके लिए भी नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 है। तो ये एवरी MBBS स्टूडेंट के लिए है। आप कहीं से भी MBBS कराओगे, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका लाइसेंस के लिए रहेगा, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिसिंग के लिए रहेगा। तो ये एग्ज़ाम दोनों ही स्टूडेंट को क्लियर करना है, अब्रॉड वाले के भी और इंडियंस वालों के लिए भी। सो स्टूडेंट, जो अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं उनको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपना एफिनिटी एजुकेशन ऐप में रशियन लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया है। 1 अगस्त से आपका रहेगा, फ्री है। जो भी प्लान कर रहे हैं रशिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, रशियन लैंग्वेज आपको सभी जगह के लिए चाहिए होगी जहाँ जहाँ पर आप जा रहे हो। जैसे कि अगर सभी के लिए नहीं, बट जहाँ आप किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, तो यहाँ सब के लिए आपको रशियन लैंग्वेज चाहिए होती है। तो ये लैंग्वेज कोर्स हम लोग आपको फ्री में करवा रहे हैं। आप 6 मंथ जब तक यहाँ पर हो तब तक आप सीख सकते हो, ताकि जब आप वहाँ पहुँचो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके पास ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। आप रशिया में एडमिशन ले सकते हो। अभी बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि मैम रशिया और यूक्रेन का वॉर को लेके कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टेबल है। रशिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं आपको बताऊँ, पुराने जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे थे वहाँ पर सब कुछ ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चे रिटर्न आए थे, एक रूमर्स भी फैला था कि वहाँ से बच्चे वापस आ गए रशिया से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे ऑलरेडी वो वहीं पे स्टडी कर रहे हैं। वो रिटर्न आए थे, उनकी छुट्टियाँ पड़ती हैं जुलाई और अगस्त में, तो उसके लिए रिटर्न आए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वॉर की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है रशिया पर या फिर और अदर कंट्री पर। तो आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आप रशिया में एडमिशन ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रशिया में। स्टूडेंट्स जा रहे हैं रशिया में, फ़्लाइट्स आपकी ओपन हो चुकी हैं, फ़्लाइट्स भी आपको अब मिल रही है रशिया के लिए, तो किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रशिया में एडमिशन लो, आप जॉर्जिया में लो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जो भी सूटेबल कंट्री है आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, आप इजीली एडमिशन ले लो। यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। प्लस हमारे ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो भी हैं, आप एज सून एज पॉसिबल अपना जो भी आपका प्रोसेस है स्टार्ट करवाइए, क्योंकि अभी आपके पास देखो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप देखोगे कि कहाँ पे लेना, क्या प्लान करना है। प्रोसेस पता है आपको, जो जॉर्जिया के लिए प्लान कर रहे हैं उनको पता है प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। टाइम लगता है कि आप जॉर्जिया के वीज़ा के लिए आपको एटलीस्ट 90 डेज लगते ही लगते हैं। तो ये है कि प्रोसेस में भी टाइम लगे, फिर ये आपको यूनिवर्सिटी पे जाना है। तो जो भी आपका डिसीजन है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड जो भी आपको चाहिए कि मुझे रशिया चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपने डिसाइडेड करी हो तो उस अकॉर्डिंग आप जल्दी से अपना एडमिशन कराओ। बाकी कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर और भी लाइक बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम एनएमसी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो वो कैसे पास करेंगे, तो ये सब वहाँ पे आपको कोचिंग्स अवेलेबल होती है। आप ऑब्वियसली एक MBBS करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्टर बन रहे हो। प्लस एक और चीज़ मुझे याद आई है जो काफ़ी स्टूडेंट का ये कहना है कि वहाँ पे हमें लाइसेंस एग्ज़ाम जो देना पड़ेगा वहाँ के लैंग्वेज। ऑब्वियसली ये ट्रू है, अगर आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप रशिया जा रहे हो तो वहाँ पर आपको वो जो लाइसेंस एग्ज़ाम रहेगा आपको रशियन लैंग्वेज में ही क्लियर करना पड़ेगा, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि बहुत कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि नहीं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करवा देंगे, तो स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ गवर्नमेंट ने पहले निकाल दी वो पर्टिकुलर 10 बच्चों के लिए चेंज नहीं होगी, तो रशियन लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम सबको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी की और भी वीडियोज़ में लेती आऊँगी जो भी हमारे पास अपडेट रहेंगी, लाइक कट ऑफ कितना गया है, रिजल्ट कब आउट होगा, क्वालिफाइड मार्क्स क्या है, तो ये सब कुछ और भी जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियोस में लेती आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। बात तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट होता है किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लस आप टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।